बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो विकास गर्ग सर हैं, उनके मेरे पास कमेंट आया है कि वो ये जो हमारा एसी बल्ब है इसको 12 वोल्ट डीसी बैटरी से जलाना चाहते हैं, वो जला नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी LEDs हैं। तो ये सारी LEDs तो नहीं जल सकती 12 वोल्ट से, पर हाँ इनमें से दो या फिर एक LED जरूर अच्छे से ग्लो कर सकती है 12 वोल्ट से। तो यहाँ देख सकते हैं किट लगी हुई है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करती है। उसका कोई अभी वो ख़राब हो चुकी है तो उसका कोई उपयोग नहीं। यहाँ पे मेरे पास बैटरी नहीं है तो मैं 12 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी बैटरी के बराबर ही पावर देता है। तो सिंपली आपको बैटरी से या फिर चार्जर के जो 12 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट की जो आउटपुट है, उनको इस तरीके से पिन के रूप में निकाल लेना है। और सिंपली आप यहाँ पे कोई भी दो LED या फिर एक LED के दोनों साइड पर जब आप प्लस माइनस को टच करेंगे तो ये ग्लो करेगी। तो चलिए पहले हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं टच कर ले रहा हूँ, LED हम चेक करेंगे एक एक से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस LED के दोनों प्लस और माइनस पॉइंट पे जैसे ही हमने वायर टच किया तो आप देख सकते हैं कितना तेज़ ये ग्लो कर रही है। इसका मतलब आप 12 वोल्ट से इसकी दो या फिर एक LED जला सकते हैं। सारी तो नहीं जल पाएंगे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक या फिर दो LED आप जला सकते हैं। LED की साइड में आपको सोल्डरिंग करनी होगी। मेरे पास सोल्डरिंग रॉड है नहीं, वरना मैं आपको करके दिखा देता। तो आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। इस तरीके से आप LED के आइट साइड में पॉइंट को जोड़ करके और 12 वोल्ट से चला सकते हैं। LED के आइट साइड में सोल्डरिंग से आपको वायर कनेक्ट कर लेनी है और इजिली आपके 12 वोल्ट की बैटरी से ग्लो हो जाएगी। आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।